मन्नत संभालो यार, खुद को इस तरह तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। मन्नत वो कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? वो कुछ भी नहीं बोल रहा, वो चुप करके मेरी बेइज्जती सुन रहा है। He's just sitting there like a puppet. He's not seeing anything. Why isn't he seeing something? वो सब जानता है यार, वो सब जानता है। यार वो हमेशा से ऐसा ही है, उसमें थोड़े से भी गट्स होते ना तो हम कभी भी इतनी एम्बैरेसिंग सिचुएशन में ना आते। देख लिया है तूने खुद सर लड़की को आजादी देने का नतीजा? अपनी इज्जत की तो परवाह नहीं थी उसे, हमारी इज्जत का भी जनाजा निकाल दिया है। अभी तो तुम्हारे नाम के साथ नाम जुड़ा हुआ था उसका। वैसे मेरा ख्याल है कि आप उस लड़की के भाई को भी कटहरे में खड़ा करें, क्योंकि उसके साथ ही चलती फिरती। बस दैट्स एनफ। बहुत बड़ा और बेहुदा इल्जाम लगा रही हैं आप। शर्म आनी चाहिए आपको ऐसी बात करते हुए। आपको शर्म आई है अपनी बेटी के ऐबों पर पर्दे डालते हुए? बस बस बस, बहुत बकवास सुन ली मैंने, अब एक लफ्ज नहीं सुनूंगा मैं। शाबाश मेरे लाल, मुंह तोड़ जवाब दे इन लोगों को। अम्मी मैं आपको कह रहा हूँ, मैं अपनी बीवी के बारे में एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। मन्नत मेरी बीवी है कानूनन और शरण, उसके किरदार पर किसी को उंगली नहीं उठाने दूंगा मैं। राधु ये सब जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं? हाँ हाँ सच कह रहे हैं। हम दोनों की सुलह हो गई है, एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहते हैं। आप लोगों के डर की वजह से हमें छुप छुप कर चोरों की तरह मिलना पड़ता था। हर बात की हद होती है। हम मजीद किसी को पसंद हो या नहीं, हम जवाब दे नहीं है किसी को भी। अम्मी मन्नत मेरी बीवी है, मेरे बच्चे की मां है, और आज मैं उसे अपने साथ घर लेकर जाऊंगा। ठीक है फिर ले आओ अपनी बीवी को। आप अपनी लाइफ में कभी नहीं हारे ना, हमेशा से हर चीज में जीतते आए हैं। जिंदगी के किसी भी मैदान में
में ये सोचकर उतरा ही नहीं कि मैं हारूंगा। इतनी सारी खूबियां अगर किसी लड़के में होंगी तो मैं तो क्या, कोई भी लड़की होती वो अपना दिल जरूर हार जाती। सुल्तान, मैं आपसे मोहब्बत करती। इस तरह के फजूल फैशन तुम पे सूट नहीं करते। सब लोग मेरे हाथों की बहुत तारीफ करते हैं। तुम्हारे हाथ काफी सख्त हैं। ये जो लिपस्टिक तुमने लगाई है ये बहुत बुरी लग रही है। ये तुम्हारे नेल्स कुछ ज्यादा ही बड़े नहीं? अब जैसा चाहेंगे मैं उसी रूप में खुद को ढाल लूंगी। तो फिर करो ना कोशिश समझने की, ये क्यों साबित करने पर तुली हो कि तुम टफर हो। मुझे वाकई आपकी समझ नहीं आती सुल्तान। एक पल में कुछ होते हैं। मुझसे सवाल जवाब करने का हक मैंने किसी को नहीं दिया है। और अगले ही पल में कुछ और। मैं ऐसा ही हूँ और ऐसे ही इंसान से इश्क हुआ है तुम्हें। क्या हुआ, पानी दूं? चलो अपने घर जाओ। What exactly did he say? Finally found the guts to do the right thing. Shukr. Oh, thank God. Poochho na mere dil se kya haal hai. Nazar mili jab unse behaal hai uski. आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमें फंसाया गया? मन्नत का रिश्ता तो हम लोग खुद बड़े चाव से मांगने गए थे। ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे कुछ पिलाया गया था वहां पे। अम्मी, मेरी आंखों के सामने जैसे पट्टी बंद गई, मुझ पे जादू कर दिया, मैंने झंड पाटी जादी कर दी अपने बेटे। व
पूछ डाले नजरा भी मिली हुई थी उन लोगों के साथ, वो लोग सारे मिल के मेरे बेटे को मुझसे छीनना चाहते हैं, मैं जानती हूँ। अम्मी आप मुझे जहनी दबाव का शिकार लग रही हैं, इतने वसवसे नहीं डाले अपने दिल में। वैसे भी जब अपना सिक्का खोटा हो तो दूसरों पे क्या इल्जाम धरना। मामूली सी आ जाती थी ना मेरे बेटे को तो मेरी गोद में साथ रख के सारी सारी रात लेटा रहता था, मैं भूखे मारती रहती थी पढ़ पढ़ के। मुझे तो दाल में जरूर कुछ ना कुछ काला लग रहा है फूफो जी, कुछ तो चक्कर है जो हमें नहीं मालूम। नफरत को मोहब्बत में बदलने में ना कोई टाइम नहीं लगता, इनकी तो फिर लव मैरिज है, जरा पहल की ना लैला मजनू की कहानी शुरू हो जाएगी। मैं तो कहती हूं कि खुला और तलाक का इंतजार किए बगैर शादी करा दे, देखेंगे ना मुराद का हंसता बसता घर, होश उड़ जाएंगे मन्नत वालों, तब भी मन्नत से जान छुटेगी, सीधे हो जाएंगे सारे के सारे। मैंने तो सोच लिया कम से कम एक साल तक मुराद के घर मैं नहीं जाऊंगी, उसकी अम्मी जिस तरह मुझे घूर रही थी लग रहा था खा जाएंगी। आई स्वेयर नेकी का तो जमाना ही नहीं है। नेकी का अजर इस दुनिया में मिलता? ये दुनिया तो फानी है, दो दिल मिल गए एक घर टूटने से बच गया, और क्या चाहिए तुम्हें बताओ इन गोलगप्पों के अलावा। वाह 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 बादशाह सलामत, सिर्फ इन गोल गप्पों की इनायत ना करें इस रियाया पर और फटाफट हनीमून की प्लानिंग करें, और प्लीज इस दफा आप मन्नत और मुराद को साथ ले जाने की शर्त मत रख देना। जो हुक्म आप। वेरी गुड।
भाभी आप आ गई। ओ बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह, लगता है भाभी जी परमानेंटली घर वापस आ गए। मुबारका मुबारका, वेलकम वेलकम बैक। सलाम अलैकुम फजीलत आपी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? ठीक, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। आई मिस यू भाभी। आई मिस यू टू। पत्थर का बना घर में लोग भी पत्थर का खुद को कमजोर दिखाएगा, रोएगा तो तुम्हारा हालत भी हमारा जैसा हो जाएगा। बस करो, पागल हो गया तुम? कुछ समय मुझे मेरे भाई और बाप की कि मैं उनका बदला लूंगी। ये केक बेक ये जनाना काम है। सीनों में गोलियां उतारता हो उसको हवाई फायरिंग से कोई मना करे तो उसके लिए कितनी शर्मिंदगी की बात है। आज हम फायरिंग किए बगैर सोएगा नहीं। दो चार दिन ठहर जा शाकरा, एडी काली की पई है तेनू जान दी है ना। बस रह दे रजिया, साडा ते दिल ही उठ गया। ਉਂਝ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੀ ਸਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ। ਬਸ ਕਰ ਦੇ ਧੀਏ, ਕਿਉਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਸ਼ੁਦੈਣ ਪਈ ਬਣਨੀ ਹੈ? ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਤੇਰੇ ਨਸੀਬ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਕਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੋ, ਵਕਤ ਪਰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਭੀ। ਚੁੱਪ ਕਰ ਚੁੱਪ ਕਰ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਏ ਰਜ਼ੀਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਸੀਬ ਹੀ ਸੜ ਗਏ ਨੇ। ਸਿਤਾਰਾ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਸੀ। ਲੋ ਜੀ ਫੁੱਪੋ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਅਬ ਹਮ ਵੀ ਚਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਫੁੱਪੋ ਜੀ ਅਬ ਖੈਰ ਸੇ ਭਾਬੀ ਜੀ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੋ ਏਕ ਮੈਦਾਨ ਮੇ ਦੋ ਤਲਵਾਰੇ ਤੋ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਤੀ। ਇਸਸੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਵੋ ਹਮੇ ਕਹੇਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਨਕੋ ਵੀ ਤੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਚਾਹੀਏ ਹੋਗੀ ਨਾ ਫੁੱਪੋ ਜੀ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਫੁੱਪੋ ਜੀ ਮਾਲਿਕ ਮਕਾਨ ਸੇ ਮੁੱਕ ਮੁਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ, ਵੋ ਘਰ ਵੈਸੇ ਕਾ ਵੈਸਾ ਹੀ ਬੰਦ ਪੜਾ ਥਾ। ਅਮੀ ਤਾਲਾ ਡਾਲ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਅਮੀ ਜਾ ਕੇ ਖੋਲेंगे ਹੈ, ਕਹਿਣ ਸੇ ਆਤੇ ਰਹेंगे ਹੈ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਅਮੀ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ। ਜਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ, ਧੀਆਂ ਘਰ ਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਹੈ, ਜਿੰਦੀ ਵਸਦੀ ਰਹੋ। आज शाकरा खाला आपको भी लारी अड्डे छोड़ देते हैं रास्ते में। चल उठ शाबर। आ जा। चल उठ। चल पिंकी। चुप समा। चल नहीं जाने। चल फिर रसिया। चक्कर लाई फिर हैं? चल अब घर चल, स्कूल जाना कल से। समझी? चल पूरा बाहर निकल जा। ले आ मैं फड़ा दे। नहीं नहीं ठीक है बस। वैसे तुम पहले से यही चाहते थे ना कि मन्नत और मुराद का पाजा बोझ, इवन दो यू हैड फीलिंग्स फॉर हर।
मैंने नहीं सोचा था कि मैं अपनी जिंदगी में इतना कोई फिल्मी सीन देखूंगी कि एक हीरो अपनी पुरानी मोहब्बत को उसकी खुशी की खातिर किसी और के हवाले कर दे। वेरी नाइस, थैंक यू। नो बट सीरियसली, बड़ी बात। Although I still believe that you would have been perfect for him. किसी के साथ खुश रहने के लिए परफेक्शन की नहीं, कंपैटिबिलिटी की जरूरत होती है, जो मन्नत और मुराद दोनों में थी। बस वो हर शादीशुदा कपल की तरह शादी के शुरू के दिनों में एक दूसरे को बदलने की कोशिश कर रहे थे, जो गलत है, नहीं करना चाहिए। But thank God. Thank God they realized that किसी दूसरे को अपने जैसा बनाने के बजाय you have to accept them for who they are with all their flaws. इतनी समझदारी अपने केस में भी दिखा दो भाई, ढूंढ लो अपने लिए भी कोई imperfect सी लड़की। अभी अल्लाह अल्लाह करके एक ड्रामा खत्म हुआ है, आप दूसरी फिल्म चला दें। Fine, I'll back off, but only for tonight. कल सुबह नाश्ते की टेबल पे इंशाल्लाह हम इसी टॉपिक पे डिस्कशन करें। कल सुबह तो मेरी फ्लाइट है। मन्ना जल्दी करो यार, लेट हो रहा हूं मैं। तुम्हें घर वापस छोड़कर क्लाइंट के पास भी पहुंचना है। डॉक्टर ने भी आज ही बुलाना था चेकअप के लिए। अभी तो बाप बने नहीं हो और जिम्मेदारियों से जान छुड़ा रहे हो। जान नहीं छुड़ा रहा मैं। इधर आए आप, जानती तो है यार लास्ट वीक का कितना काम पेंडिंग है। तो छुट्टियां मेरे लिए थोड़ी ली थी, अपनी सितारा की शादी अटेंड करने गए थे। वहां पर तो काम करते हुए माथे पे एक शिकन नहीं आई होगी, क्योंकि गिल्ट में जो थे कि ओ माय गॉड मैंने दिल तोड़ दिया। ना हाला वाला कूल था। वैसे ना आपकी सोच को सलाम है, पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाती। कजन लगती है वो मेरी, और कजन बहनों जैसी होती। बहनों की शादियों की जिम्मेदारी भाई को ही पूरी करनी पड़ती है। तो अपनी बहनों की जिम्मेदारी कम है जो कजन की भी फिक्र हो गई है। चलो तैयार हो गई हो? मैं दुपट्टा ले रही हूँ। अच्छा वो फाइल निकालो और मेरा पर्स ले आना। चलो ये लो। ध्यान से। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। अम्मी दुआ कीजिएगा, मन्नत के चेकअप के लिए जा रहा हूँ। दुआएं तो बेटे मैं हर वक्त ही पढ़ पढ़ के फूकती रहती हूँ तुम पर। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज फिर खैर से पता चल जाना है कि लड़का है या लड़की। शायद लड़का ही होने है इंशाल्लाह, तू देख लेना मेरे बेटे। अगर लड़की हुई तो मुंह चंगा ना होए तो बंदा गाल ही चंगी कर लेंदा है के। अच्छा अम्मी अल्लाह हाफिज़। चलो जी खैर से जाओ, खैर से घर आओ, खुशखबरी लेकर आना अल्लाह दे हवाले। आ आ आ आ आ आ। पता नहीं वो कौन सी सांसें होती हैं जो ड्रामे के एंड में एकदम ठीक हो जाती हैं। कितनी दफा समझाया तुम्हें कि अम्मी की आदत है, वो बोल पड़ती हैं, दिल की बुरी नहीं है मेरी अम्मी। मैं मानता हूँ कि वो इनसिक्योर है, लेकिन उसकी रीजन दो जवान बेटियां घर में और मैं अकेला वाहिद सहारा। अब बताओ वो डरती हैं अगर मैं बदल गया तो? कुछ करना पड़ेगा, करती हूँ कोई इंतजाम तुम्हारी बहन। कौन सा इंतजाम? चलो बैठो बताती हूँ। आओ
जल्दी कर लो यार, कितना वक्त लगा रही हो तैयार होने में? सब लोग नीचे इंतजार कर रहे हैं। पहले सबको तैयार किया है, फिर खुद खड़ी हुई हूँ तैयार होने के लिए। अभी भी खुश चाहिए हो? बहुत खुश हूँ, बल्कि रश कर रहा हूँ अपनी किस्मत पर कि तुम जैसी बीवी मिली। तुम ना होती ना तो मैं बेमुराद ही रह जाता। मैं कैसे ना होती? मन्नत की मुराद तो तुम ही हो। कैसे लग रहे हैं हम दोनों? अच्छा, थैंक यू। अब किस लिए? मेरी जिम्मेदारी पूरी करने में मदद करने का। एक सेकंड, भाभी का फोन। जी भाभी। अच्छा ओके, आई विल सी यू। भाभी ये सी यू, बाय। जल्दी करो, वो लोग पहुंचने वाले हैं। मैं कह रहा था ना देर हो जाएगी। नहीं हुई इतनी देर, अब जल्दी करते हैं, वो लोग पहुंचने वाले हैं। बस लास्ट, चलो चलो ना। अच्छा चलो। बड़े भैया की शादी होगी। All credit goes to मन्नत भाभी। और ना बड़े भैया ना बहुत एंटी शादी हो गए थे। Good news is कि अब मेरी शादी हो सकती है। ओह, तो finally आपको भी ख्याल आ गया अपनी शादी का। वरना मैं तो समझी थी बस आपको क्रिकेट में दिलचस्पी है।
क्रिकेट मेरा पैशन है पर इश्क कोई और है। कौन है वो लकी गर्ल, क्या मैं जान सकती हूँ? मिलाऊं उसे? वो इनवाइटेड है यहाँ पे। रिदा, रिदा, निकी, निकी, रिदा। हाय, कैसी हो निकी? सब आ गए? साथ कहाँ है? ये सामने। साथ जल्दी आओ ना, क्या कर रहे हो, जल्दी आओ। एक्सक्यूज मी, लेकिन हमारी पिक्चर कौन लेगा? कौन लेगा हमारी पिक्चर? मैं खींचती हूँ भाभी। लगी। थैंक यू। चल। चल। जैसे है ना वो हाथ से गोंदे मखमली।